An Academy. Let's crack it. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल गाइस, वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आई एम अंकित शर्मा एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2018 गाइस, एंड द सेक्शन इज ज्योमेट्री गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन गाइस। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन गाइस। फ्रॉम अ रेक्टेंगल एबीसीडी ऑफ एरिया 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर गाइस, ए सेमी सर्कुलर पार्ट विथ डायमीटर एबी एंड एरिया 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव्ड, द पेरिमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन इन सेंटीमीटर इज व्हाट गाइस। सो गाइस, हियर वी आर हैविंग फोर ऑप्शंस गाइस। काफी इजी क्वेश्चन था गाइस, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर नया भी लगे गाइस, सो यू मस्ट हैव द करेज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ना। थोड़ा आप करेज दिखाएं और एक दो स्टेप लिखें गाइस, अपने आप चीजें आगे से आगे अनलॉक होती जाएगी। नाउ गाइस, तो पहली बात तो कैसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं गाइस। रेक्टेंगल है कुछ ऐसा, ए बी सी डी अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं गाइस, वन सेकंड गाइस, मैंने एक रेक्टेंगल लिया गाइस, ए बी सी डी, मतलब ये लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन रही होगी, एक रेक्टेंगल रहा होगा स्टूडेंट्स ए बी सी डी, लेकिन एक सेमी सर्कुलर पोर्शन हमने कट कर दिया। और कट करने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं येलो बॉर्डर और रेड बॉर्डर, इस बॉर्डर का सम वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ का सम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ए बी सी डी अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था और वहां ए बी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल हमने कट कर दिया है गाइस, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस ए बी सी डी का जो एरिया था गाइस वो 768 सेंटीमीटर स्क्वायर था और इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो 72 पाई है गाइस। ये आपको दे रखा है 72 पाई। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि इसकी रेडियस जो भी रही हो, सर हमें नहीं पता क्या पता क्या रेडियस रही होगी, लेकिन सेमी सर्कल का एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर बाय 2 रहा होगा और वो 72 पाई के इक्वल दे रखा है। बच्चे बोलेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, आर स्क्वायर इक्वल टू 144, सो आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट गाइस, 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट आपको जो भी दे रखा है सेंटीमीटर देखा, ठीक है। तो आर अगर 12 सेंटीमीटर है तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर, इस सेमी सर्कल की रेडियस मतलब एबी का मिड पॉइंट सेंटर रहा होगा, तो एबी का हाफ अगर रेडियस रही होगी तो कंप्लीट एबी होने वाली है 24। कंप्लीट ए बी आपकी हमारे यहां बनने वाली है बच्चों 24। अगर ए बी 24 है गाइस और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, हम सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है गाइस, लेंथ आपको अगर एक साइड पता पड़ गया 24 और ये एरिया आपको 768 दिया था गाइस, चेक कर लेंगे 768 दिया था, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 724 इनटू अदर साइड मस्ट बी इक्वल टू 768। वी ऑल नो कि 24 थ्री जा 72 and 24 2s are, तो x equal to मिलता है बच्चों 32, मतलब ये साइड अगर 24 रही है तो ये भी 32 रही होगी, और क्योंकि अगर रेक्टेंगल है बच्चों तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी 32 होगी और ये आपकी 24 रही होगी। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, सभी को ये बातें पता होती है गाइस, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन अब इस डायग्राम का पेरीमीटर वो आपसे पूछ रहा है गाइस, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर, ये रेक्टेंगल तो नहीं था, इस डायग्राम का पेरीमीटर मतलब ये तीन येलो बॉर्डर और एक रेड बॉर्डर जो आप देख पा रहे हैं, इसका पेरीमीटर वो आपसे पूछ रहा है गाइस। इस रेड बॉर्डर के पेरीमीटर की अगर बात करें बच्चों, तो क्या ये एक सेमी सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो इसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस होने वाला है पाई आर ओनली, और वो कितना है बच्चों, आर हमें दिया है 12π, आर हमें दिया है बच्चों 12π, सॉरी आर हमें कितना मिलने वाला है 24 का डायमीटर आया था तो आर हमारा 12 बना, तो 12 इनटू पाई 12 पाई बनने वाला है, पेरिमीटर होगा हमारा 12 पाई, दैट्स इट। तो इस रेड बॉर्डर की जो लेंथ थी बेटा, रेड बॉर्डर की जो सर्कमफेरेंस थी वो तो हमें पता पड़ी, वो है 12 पाई, और अब हमें निकालना है 32, 24 और 32। अगर इन तीनों के सम की बात कर ली जाए बच्चों, तो 32 और 32 64 और 24 84, तो आपको पता पड़ता है 88 बना बच्चों, 88 प्लस 12 पाई जो बना है सर, उस पूरे इस फिगर का सर्कमफेरेंस बना है बच्चों, जिसमें एक साइड हम रेक्टेंगुलर काउंट नहीं कर रहे, एक साइड जो काउंट हो रही है बच्चों वो साइड नहीं काउंट हो रही है, वो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस काउंट हो रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी, 88 प्लस 12 पाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। काफी एजुकेशन था एंड आई एम डैम श्योर कि आप किस तरह क्लियर है इस क्वेश्चन में गाइस, फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाए then please let me know in the comment box guys, I will reply for sure।
मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस. अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट.